हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो आप लोग का ही रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था मेरे एक वीडियो पे, जो प्लास्टर और ब्रिकवर्क वाले जो वीडियो थे उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था इसको लेके कि सर व्हाट इज 1.33 इन प्लास्टर एंड ब्रिकवर्क। जैसे कॉन्क्रीट में आप लोग देखे होंगे व्हाट इज 1.54 इन कॉन्क्रीट, ये मेरा ऐसे ही देखोगे आप, अगर आप कहीं भी सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कहीं भी कि व्हाट इज 1.54 इन कॉन्क्रीट, मेरा वीडियो ही, मेरा ही जितना भी आर्टिकल है वो सब ऊपर में आगे खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना ये भी अगर आप लोग का डाउट है तो इस पर भी मैं वीडियो बना के एक डाल दूं, व्हाट इज 1.33 इन प्लास्टर एंड ब्रिक वर्क। ये 1.33 है क्या सर जी, मल्टीप्लाई कर देते हो खुद से, ये है कि एक्चुअली में, तो मैं बता दूं कि एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है ये, एक मैं सब बताऊंगा ये क्या है वो भी बताऊंगा और दो तरीके से इसका कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए और आज के बाद आप दोबारा आपका हिम्मत ना हो पूछने का कि 1.33 है क्या। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो हम जैसे सिविल इंजीनियर्स भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसको सीख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं ये 1.33 जो आता है ये है क्या एक्चुअली में, तो ये एक फैक्टर है। ठीक है, ये एक फैक्टर है जो हमें हेल्प करता है वेट वॉल्यूम को ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये एक फैक्टर है जिसके सिर्फ मल्टीप्लाई करने से ही आपका जो वॉल्यूम था वो कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम में। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं ये 1.33 में ये वन क्या है और पॉइंट के बाद का ये 33 क्या है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक छोटा सा एक वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सपोज हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं और प्लास्टर का मोर्टर निकाले, जो मोर्टर हमारा निकला 2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो मोर्टर का जो वॉल्यूम निकला वो निकला 2 क्यूबिक मीटर और ये हमारा है वेट वॉल्यूम। समझ गए, हम लोग ड्राइंग से कुछ भी डिराइव करते हैं ना वो सब वेट निकलता है, कन्वर्ट करना पड़ता है हमें ड्राई वॉल्यूम में, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम में मटेरियल का क्वांटिटी बढ़ जाता है। अगर आप सोचोगे कि वेट वॉल्यूम में जो आया है और उसी को लेके अगर आप मटेरियल डिराइव कर दिए, जब उसमें पानी डालोगे तो वो श्रिंक होकर थोड़ा सा हो जाएगा, जो वॉल्यूम आपको कवर करना था वो वॉल्यूम कवर नहीं होगा कभी भी। इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है वेट निकालने के लिए, मटेरियल का वेट निकालने के लिए उसको ड्राई वॉल्यूम में, क्योंकि आप मटेरियल तो ड्राई में ले रहे हो, वेट में नहीं ले रहे हो। करेक्ट, तो इस जो मोटर का वॉल्यूम निकला 2 क्यूबिक मीटर, ये सपोज निकला मेरा वेट वॉल्यूम। अब सबसे पहला बात है हमें इसको ड्राई में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप सीधा इसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका आंसर चुटकी में जो आएगा वो आ जाएगा आपका ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, देखो 2 को अगर 1.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2.66। देख लिए, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम का बढ़ गया। तो 1.33 ही क्यों करना है, तो पहला बात बता दूं ये 33 है क्या। एक्चुअली 33 है 33% इंक्रीमेंट, 33% इंक्रीमेंट किसका, वेट वॉल्यूम का। ठीक है, और ये वन जो मैं आपको बता रहा था एक्चुअली में, ये वन क्या है, ये वन है आपका वेट वॉल्यूम के लिए, वेट वॉल्यूम के लिए मल्टीपल। ठीक है, और ये 33 क्या है, 33% हाइक हो रहा है। तो जब हम लोग 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये क्या करता है, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ, दो तरीके से करके दिखाऊंगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, मैं दो तरीके से यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। वॉल्यूम ऑफ मोटर यहाँ पे कितना पकड़ा हूं मैं, 2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, बहुत जन को परसेंटेज निकालना भी नहीं आता है, मैं ये हंस नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर नहीं आता है तो डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत कोई मैं देखा हूं कमेंट में पूछते हैं कि सर आप ये परसेंटेज कैसे निकाले। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत जन को नहीं पता, कोई बात नहीं इसके लिए, क्योंकि सब तो इंजीनियर यहाँ पे नहीं है। वॉल्यूम ऑफ मोटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना है, 2 क्यूबिक मीटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसको क्या करेंगे, ड्राई में निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई फैक्टर।
फैक्टर क्या है? वो है वेट वॉल्यूम कितना है मेरा, ये जो है आपका वेट वॉल्यूम है, ठीक है। वेट वॉल्यूम कितना है 2, और फैक्टर मैंने कितना बताया 1.3 थी, मतलब 33% इंक्रीमेंट होके, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2.66, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें पता है क्या हो रहा है, वेट वॉल्यूम तो साथ में है ही, और 33% इस वेट वॉल्यूम का इंक्रीज करके साथ साथ ऐड हो जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ड्राई वॉल्यूम को कैसे हम लिखेंगे, वेट वॉल्यूम प्लस 33% ऑफ वेट वॉल्यूम, ठीक है। यही तो मैं बोलना चाहता हूं ना, ड्राई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वेट वॉल्यूम तो लिखना ही है, साथ में जो वेट वॉल्यूम है ना उसका 33% और बढ़ाओ, और ये वो बढ़ा और प्लस उसको ऐड कर देना है। तो लिखते हैं वेट वॉल्यूम कितना है 2 प्लस 33% ऑफ वेट वॉल्यूम, मतलब जब भी परसेंटेज की बात आती है तो 33/100 कर देना, ऑफ की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। वेट वॉल्यूम कितना, वेट वॉल्यूम कितना है मेरा 2, ठीक है, वो 2 लिख दो यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 2 आया और इसको आप करोगे तो कितना आएगा, ये 2 से ये कटा, ये 50, 33/50, 33/50 0.66, 0.66। अब ऐड करो 2 + 0.66 कितना आएगा 2.66। अब देखो 2.66, 2.66, तो मैं इतना कुछ नहीं करके मैं क्या करता हूँ, मतलब वेट वॉल्यूम प्लस इतना परसेंट ऑफ वेट वॉल्यूम, ये इतना नहीं करके मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2 × 1.33, बस आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है इतना क्यूबिक मीटर, समझ गया है? मैं ये डायरेक्ट करता हूँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि 1.33 मैं कहाँ से डायरेक्ट ला देता हूँ, क्यों ऐसा करता हूँ। तो अब क्लियर हुआ, मुझे पता है इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और इससे जब क्लियर हो गया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसका एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, कभी भी आपको कोई कुछ परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए बोलता है ना कि 30% इंक्रीज कर दो किसी का, 40% इंक्रीज कर दो, तो जिस वैल्यू का इंक्रीज करने के लिए बोलेगा, सपोज ए एक नंबर है, अब बोल रहा है इसका 33% 40% इंक्रीज करना है, तो ए को ना आप क्या करना, डायरेक्ट 1.40 से मल्टीप्लाई कर देना, 40% बोला है तो। अगर 50% बोलता तो 1.50 से मल्टीप्लाई कर देना, 55% बोलेगा तो क्या करना है 1.55 से कर देना है, लेकिन लेकिन अच्छा जब 10% बोलेगा तो क्या करोगे, तो करना 1.10, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन एक बात, जब 10 से कम का रहेगा, जब बोलता है 9% इंक्रीज करना है, तो जैसा ही 9 से पहले नीचे चला जाएगा ना तो a × 1.09 हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल नंबर में रखना है आपको हमेशा, तो 0. ठीक है, 1.09, 8% इंक्रीज करने बोलेगा तो a × 1.08, ठीक है। अब क्लियर हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद आप कभी अपने पूछोगे कि 1.33 क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, साइट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करने में मदद करता है ड्राई वॉल्यूम में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो प्लीज मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि हाँ सर आप समझ में आ गया, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हमारे सब दोस्तों के साथ, हमारे सब सिविल इंजीनियर भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोग भी सीख ले यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।